जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सहीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 69 में, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं। और ये ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 6 है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। चाहे आप BBMQ से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BBU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, या आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, BTech वालों के लिए चल रहा है, BE वालों के लिए चल रहा है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं हम लोग लेक्चर 69 में आ चुके हैं। एक्सरसाइज 1 का सीरीज सॉल्यूशन मैं चला रहा हूं लेक्चर नंबर 61 से। तो आज लेक्चर नंबर 69 में मैं क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करूंगा एक्सरसाइज 1 का। तो देखिए क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल m बाई n मैट्राइसिस विथ रियल एलिमेंट्स इन एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बस क्वेश्चन इतना ही बोलता है कि जो सेट ऑफ ऑल m बाई n मैट्राइसेस होगा, m बाई n मतलब जिसमें रॉज m होगा और जिसमें कॉलम्स n होगा, है ना। मतलब हमको क्या करना है, एक सेट बनाना है जिसमें वैसे सारे मैट्राइसेस आ जाएंगे जो कि m बाई n के फॉर्म में होंगे। फिर से समझ लीजिए, मुझे एक ऐसा सेट बनाना जिसमें वैसे सारे मैट्राइसेस को लेना है जो कि m बाई n फॉर्म में हो, m बाई n ऑर्डर में हो। द सेट ऑफ ऑल m बाई n मैट्राइसेस, इसको m बाई n पढ़ते हैं, ठीक है ना, m बाई n मैट्राइसेस विद रियल एलिमेंट्स इन एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी कि अगर हम ऐसा सेट बना सके जिसमें m बाई n मैट्राइसेस हो, मतलब m बाई n ऑर्डर के मैट्राइसेस हो, और वे m बाई n मैट्राइसेस के जो अंदर में एलिमेंट होंगे, वे जो m बाई n मैट्राइसिस होंगे उनके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वे एलिमेंट्स रियल एलिमेंट्स अगर हुए, तो तब क्या होगा, वो मैट्राइसिस का जो सेट है वो एक एबेलियन ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बस यही हम लोग को दिखाना है। अगर एबेलियन ग्रुप दिखाना है तो हमको पाँचों को, पाँचों प्रॉपर्टी को दिखाना पड़ेगा। पहला तो क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा इनवर्स, और पाँचवा कम्यूटेटिव। आइए फटाफट देख लेते हैं। पहला क्लोजर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि m बी आधा m बी दा, है ना, लेट m बराबर ऑल m बाई n मैट्राइसिस विद रियल एलिमेंट्स। ये मानना पड़ेगा कि m को मैंने मान लिया, लेट m बराबर ऑल m बाई n मैट्राइसिस विद रियल एलिमेंट्स। मैंने मान लिया कि m ऐसा सेट है जिसमें m बाई n टाइप के मैट्राइसिस आएंगे, मतलब m बाई n ऑर्डर के मैट्राइसिस आएंगे जिनके एलिमेंट्स क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, क्लोजर के लिए हम लोग को दो एलिमेंट चाहिए, तो मैं इसी m सेट में से दो एलिमेंट को उठाता हूँ। यहाँ पर एलिमेंट की तरह जो ट्रीट होगा वो होगा मैट्रिक्स, है ना, ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, और भी बहुत सारा मैट्रिक्स जो कि m सेट में रहेंगे। तो a बराबर a11 a12 डॉट 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 a1n a21 a22 डॉट 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 a2n a31 a32 डॉट 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 a3n am1 raw m column 1 raw m column 2 डॉट 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 raw m column n। तो हमको ऐसा ही मैट्राइसेस चाहिए, ऐसा ही मैट्रिक्स चाहिए। देखिए मैट्राइसेस मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक मैट्रिक्स को हम लोग एक ही मैट्रिक्स बोलते हैं, और एक से अधिक मैट्रिक्स होता है तो उसको मैट्राइसेस कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये सेट, ये जो मैट्रिक्स ए है वो सेट m में से बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये m बाई n मैट्रिक्स है, ये m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें a11 a12 डॉट 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 an a1n ये सारा जितने भी एलिमेंट्स इसमें हैं, ये आप देख पा रहे हैं ये एलिमेंट सारे के सारे क्या है, रियल हैं। इसी वजह से ये जो है कि सेट m में सेट m से बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और साथ ही ये इसमें जो भी एलिमेंट्स है वे सभी रियल एलिमेंट्स हैं। ठीक इसी प्रकार से b भी जो है कि एक मैट्रिक्स है जो कि सेट m में से ही बिलोंग कर रहा है, जिसका भी ऑर्डर m बाई n है, और इसमें सारा जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे रियल हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ ए बी जो सेट है वह ए बी जो मैट्रिक्स है वह सेट m से बिलोंग कर रहा है, वेयर ए बी ये जो ए बी दिख रहा है a11 a12 ये सब जितना भी दिख रहा है वे सारे के सारे इज रियल एलिमेंट्स है, ठीक है ना, इनके रियल एलिमेंट्स है। अब चूंकि क्लोजर एबिलियन दिखाना है तो सबसे पहले तो क्लोजर दिखाना पड़ेगा, है ना, और ऑपरेशन क्या दिया हुआ, तो एडिशन का, तो a प्लस बी जोड़ेंगे, सिंपली a प्लस बी जोड़ेंगे, तो क्या होगा a11 इसके एलिमेंट को इसके साथ जोड़ देंगे, a11 b11 इसी प्रकार से मैट्रिक्स एडिशन करते हैं a12 b12, ठीक है, इसी प्रकार डॉट 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 a1n b1n, ठीक है। अब आगे इसको इसी प्रकार से जोड़ लिया, इसी a m1
BM1, ठीक है, AMN और BMN, बाकी बात जो भी डॉट 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 है लगा दिया। ये भी देखिए बिलोंग करेगा M में, पूछे ये क्यों बिलोंग करेगा M में, आप बोलेंगे चलिए सर कि A11, A12 और B11, B12 ये सब जितने भी एंट्रीज है वे रियल है, लेकिन हम लोग कैसे जानेंगे कि इनका जो कम्बिनेशन है, इनका जो एडिशन है वो भी रियल होगा। तो चलिए मैं उसके बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। A11, B11, A12, B12... यहाँ तक डॉट डॉट डॉट, AMN, BMN ये सारे के सारे रियल एलिमेंट्स है, रियल नंबर से। अगर मैं जोड़ूँ A11 को B11 के साथ, A12 को B12 के साथ जोड़ूँ, डॉट 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 डॉट, AMN के को BMN के साथ जोड़ूँ, तो ये भी रियल होंगे। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर कारण लिख दिया हूँ, सिंस सम ऑफ, चूंकि सम ऑफ टू रियल नंबर्स बिकम्स रियल नंबर, चूंकि दो रियल नंबर को जोड़ेंगे तो रियल नंबर ही होगा। तो देखिए A11 भी रियल है, रियल था, B11 भी रियल है, तो A11 भी रियल है, B11 भी रियल है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी रियल होगा। A12 भी रियल है, B12 भी रियल है, दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी रियल होगा। AMN भी रियल है, BMN भी रियल है, दोनों को जोड़ेंगे तो रियल होगा। इसका मतलब इसमें भी जितने भी एलिमेंट्स हैं वे रियल है, और साथ ही साथ इसको जोड़ने के बाद भी आप देख पा रहे हैं इसका ऑर्डर बदला नहीं है, इसका ऑर्डर M/N ही है, है ना। इस पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर बदला नहीं है, वो M/N का ही ऑर्डर अभी भी शो कर रहा है। तो यानी कि ये इसी वजह से ये सेट M में ही बिलोंग करेगा, यानी कि सेट M में का ही ये एलिमेंट है। यानी कि दो एलिमेंट, यानी कि दो मैट्रिक्स को मैंने सेट M से लिया और उनका जो एडिशन है वो भी जो है कि उनका जो सम है यानी कि एड, तो उनका ऐड भी जो है कि उसी मैट्रिक्स का मेंबर हो गया, यानी कि क्लोजर हो गया सिंपली। तो देयरफॉर इट इज क्लोज्ड, जब क्लोजर हो जाता है तो देयरफॉर इट इज क्लोज लिखते हैं। तो चलिए अब आगे एसोसिएटिव दिखाना है और बाकी बात जो भी दिखाना है वो सब दिखाएंगे, लेकिन आप तब तक इसको उतार लीजिए। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। देखिए मैंने इससे पहले आपको क्लोजरनेस को दिखा दिया था इसमें मैट्रिक्स में, अब एसोसिएटिविटी को देखना है, देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, एसोसिएटिविटी को। तो मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, इसको चेक नहीं करना है कि तीन मैट्रिक्स ले लिया आपने ए बी सी और फिर आप चेक कर रहे हो, आपने तीन मैट्रिक्स ले लिया M/N ऑर्डर का, उसमें रियल एंट्रीज है यानी कि रियल एलिमेंट्स है, फिर आप चेक कर रहे हो A+B+C ब्रैकेट में, फिर A+B ब्रैकेट में +C, वैसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम लोग क्लास 12th से ही हम लोग ये चीज़ जानते आ रहे हैं, है ना, कि मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है, इसीलिए सिंपली लिख देंगे मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। अब आगे देखिए आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो 0 एक मैट्रिक्स है जो कि M/N ऑर्डर का है, देखिए 0 0 चलते जा रहा है, इसमें कोई अंत नहीं है, M/N ऑर्डर का है, ऑब्वियस सी बात है, और 0 जो है कि एक रियल एंट्रीज ही है। मैं 0 मैट्रिक्स का बात कर रहा हूँ जिसमें 0 0 मैट्रिक्स में, है ना, रियल एंट्रीज ही है, इसको O भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, ये बिलोंग कर रहा है इसी वजह से M में, है ना। हेयर 0 इज ऑल्सो रियल, है ना, इस चूंकि जो है कि 0 रियल है, नाउ ए बिलोंग कर रहा है एम में, 0 भी बिलोंग कर रहा है एम में, तो भाई ए में क्या जोड़ोगे दाएं से, ए में क्या जोड़ोगे बाएं से, है ना, अंडर दी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन कि ए में कोई परिवर्तन ना आए, ए में कोई चेंजेस नहीं आए, है ना, ए मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं आए। ए मैट्रिक्स कहाँ का था? तो सेट एम का था, इससे पहले वाले, इससे थोड़ा बैक चल जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ए कहाँ का था? तो सेट M का था, सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्सेस M/N ऑर्डर एंड देयर एलिमेंट्स आर रियल, ये मैंने बताया था। तो A में क्या जोड़ोगे दाएं से, A में क्या जोड़ोगे बाएं से कि A में कोई चेंजेस नहीं आए, परिवर्तन नहीं आए, तो वैसा मैट्रिक्स को जोड़ेंगे जिससे कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए, तो उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, यानी कि, है ना, या तो फिर हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे उस मैट्रिक्स को, यानी कि 0 मैट्रिक्स को इसमें जोड़ दें, है ना, चाहे दाएं से चाहे बाएं से, तो ए में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सिंस 0 बिलोंग्स टू कर रहा है, तो 0 तो मेरा बिलोंग कर ही रहा है सेट एम में, सेट एम मतलब मैट्राइसिस का जो सेट था, देयरफॉर 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, इसी वजह से 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि 0 को अगर ए मैट्रिक्स के साथ जोड़ते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ए में, या आइडेंटिटी एलिमेंट बोलिए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलिए ऑफ ए का, ए का 0 क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया या आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। देयरफॉर आइडेंटिटी एग्जिस्ट फर्दर यू में चेक, यहाँ पर इसी वजह से आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गया। अब आगे आप और अलग अलग मैट्राइसेस ले सकते हैं, है ना, एम मैट्रिक्स के सेट से आप अलग अलग मैट्राइसेस ले सकते हैं, अगर फिर से अगर आपको चेक करना है
कि नहीं भाई मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मैं ए मैट्रिक्स नहीं, मैं बी मैट्रिक्स लेकर के चेक करना चाहता हूँ, मैं सी मैट्रिक्स लेकर के चेक करना चाहता हूँ जो कि एम सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस में बिलोंग कर रहा है, उनमें से मैं अलग अलग मैट्रिसेस को लेकर के जीरो मैट्रिक्स के साथ ऑपरेट करके देखना चाहता हूँ कि उनमें भी क्या कोई परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। आप ऐसा चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा। तो देयरफॉर आइडेंटिटी इज एग्जिस्ट फर्दर यू में चेक, आपको अगर चेक करना तो कर सकते हैं। अब चौथा नंबर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखेंगे। ए मेरा बिलोंग कर रहा है एम में, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस एम बाई एन ऑर्डर, जिसका जो एलिमेंट है वो क्या है, रियल एलिमेंट विथ रियल एलिमेंट। ए बिलोंग कर रहा है एम में, तो भाई ए में क्या जोड़ोगे आप दाएं से, और ए में क्या जोड़ोगे बाएं से, ए में क्या जोड़ोगे राइट से, और ए में क्या जोड़ोगे लेफ्ट से, कि जोड़ने पर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। मतलब जीरो मैट्रिक्स यहाँ पर आइडेंटिटी है, हालांकि आप ऐसा मत समझिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मत समझिएगा, ये तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम कर रहा है वो जीरो मैट्रिक्स कर रहा है, ठीक है ना, इसीलिए कन्फ्यूज मत होइएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में, ए अगर बिलोंग कर रहा है एम में, तो ए में क्या ऐसा जोड़ेंगे कि मुझे आइडेंटिटी इलामेंट मिल जाए। यहाँ पर आइडेंटिटी इलामेंट क्या है, तो जीरो है, यानी कि जीरो मिल जाए यहाँ पर आइडेंटिटी इलामेंट। तो यही इनवर्स का तो पहचान होता है कि ए में हम क्या ऑपरेट करें, ए में अगर ए का इनवर्स को हम लोग ऑपरेट करेंगे तो मुझे आइडेंटिटी मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म है। तो यानी कि मुझे यहाँ पर ए का इनवर्स चाहिए, इनडायरेक्ट वे में मुझे ए का इनवर्स चाहिए, तभी तो मुझे यहाँ पर आइडेंटिटी मिलेगा ना, क्योंकि ए के साथ हम उसके इनवर्स को जब ऑपरेट करते हैं तो मुझे आइडेंटिटी मिलता है, और मुझे यहाँ पर आइडेंटिटी चाहिए इनवर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए। तो ए में क्या ऐसा ऑपरेट करे दाएं से, ए में क्या ऐसा ऑपरेट करे बाएं से कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, यानी कि जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। तो ए में हम माइनस ए को ऑपरेट करेंगे, ए में हम माइनस ए को ऑपरेट करेंगे दाएं से बाएं से, इसी वजह से सिंस माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए, चूंकि ए मेरा अगर मान लीजिए ए कोई भी मैट्रिक्स है, और उसका उस ए मैट्रिक्स में उसी का नेगेटिव को अगर जोड़ देंगे तो वो जीरो मैट्रिक्स बन जाता है, ये तो हम लोग जानते ही है। तो सिंस माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए, देयरफॉर इनवर्स इज एग्जिस्ट, और माइनस ए भी, और आपको मैं बता दूं कि इनवर्स एग्जिस्ट कैसे कर गया, तो माइनस ए भी तो बिलोंग कर रहा है एम में, है ना। यहां पर एक लाइन यहां पर लिख लीजिए, सिंस करके लिख लीजिएगा अच्छा लगेगा, सिंस माइनस ए भी तो बिलोंग कर रहा है सेट एम में, है ना। सेट एम थोड़ी ऐसा बोला है कि मैं नेगेटिव रियल नंबर के वैल्यू वाले मैट्रिक्स को नहीं रखूंगा, सेट एम तो ऐसा नहीं ना बोला है, सेट एम बोला है कि मैं रियल नंबर को रखूंगा, तो नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे रियल नंबर तो है ही, तो माइनस ए भी तो बिलोंग करेगा सेट एम में, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब माइनस ए जो है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर गया कहाँ पर, तो सेट एम में ही, और किसका है माइनस ए इनवर्स, तो प्लस ए का, प्लस ए वाले मैट्रिक्स का इनवर्स है, देयरफॉर इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हुआ, अभी तक मैंने इनवर्स तक प्रूफ कर दिया है, मैंने अभी तक क्लोजर को प्रूफ कर दिया, एसोसिएटिव को प्रूफ कर दिया, इसके बाद आइडेंटिटी को यहाँ पर दिखला दिया एग्जिस्ट कर रहा है, फिर मैंने इनवर्स को भी दिखला दिया, अब बचा क्या, अब बचा कॉमुटेटिव। अगर कॉमुटेटिव को भी मैं दिखा दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि सेट ऑफ ऑल मैट्राइसेस ऑफ एम बाई एन ऑर्डर विथ रियल एलिमेंट्स आर ग्रुप, आर एन एबेलियन ग्रुप, है ना। क्या हो जाएगा वो एबेलियन ग्रुप हो जाएगा, मतलब पांचों के पांचों प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाइड करवा दे। एक लास्ट बचा हुआ है कॉमुटेटिव, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको जो है कि स्क्रीनशॉट लीजिए, तो चलिए अब इसका लास्ट पोर्शन बचा हुआ कॉमुटेटिविटी वाला, आइए देखिए पांचवा नंबर कॉमुटेटिव। ए और बी बिलोंग कर रहा था सेट एम से, तो कॉमुटेटिव चेक करने के लिए दो एलिमेंट चाहिए, तो मैंने दो एलिमेंट यानी कि दो मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स ले लिया सेट एम से, और ए प्लस बी को जोड़ेंगे चाहे बी प्लस ए को जोड़ेंगे तो आपस में दोनों एलएचएस आरएचएस बराबर ही आएगा, आप देख लीजिएगा जोड़ करके, ठीक है। और एक बात ये भी हम लोग जानते हैं कि सिंस मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, तो कॉमुटेटिव होता है। ये लाइन भी लिख लेंगे कि अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो ये लिख लीजिए सिर्फ, सिंस मैट्रिक्स एडिशन इज कॉमुटेटिव, यहाँ पर इसीलिए बस इसी सिंस मैट्रिक्स एडिशन इज कॉमुटेटिव लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक ना।
या आप इसको करके भी दिखा सकते हैं। A का वैल्यू जो हमने माना था a11 b1 a12 a13 .. a1n, फिर नीचे चला जाइए फिर am1 am2 am3 .. amn तक गए थे, फिर B का भी जो वैल्यू था दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, आपस में दिखा सकते हैं, बाएं से जोड़ के दिखा दीजिए, दाएं से जोड़ के दिखा दीजिए, वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको समय बचाना है एग्जाम में तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा कीजिएगा तो भी वही नंबर मिलेगा और ऐसा कीजिएगा तो भी वही नंबर मिलेगा, लेकिन बस अंतर ये होगा दिस इज स्मार्ट वर्क और वो हार्ड वर्क हो जाएगा। तो सिंस मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्पिटेटिव, हेंस ऑल फाइव एक्जियम्स आर सेटिस्फाइड, पाँचों के पाँचों लॉज, पाँचों के पाँचों एक्जियम्स या कंडीशंस बोलिए वो सेटिस्फाइड हो गया, देयरफॉर द गिवन सेट एम जो था है ना, एम क्या था तो सेट ऑफ ऑल मैट्राइसेस हुज ऑर्डर इज एम बाई एन एंड इट्स एंट्रीज आर रियल, यानी कि उनके एलिमेंट्स जो होंगे उसमें रियल थे, एम इज इसी वजह से एम क्या हो गया पाँचों को पाँचों सेटिस्फाइड हो गया है ना, क्या हो गया पहले पहली बात तो पहला क्लोजर्स हो गया, दूसरा एसोसिएटिव हो गया, तीसरा आइडेंटिटी हो गया, चौथा इनवर्स हो गया और पाँचवा कम्यूटेटिव हो गया है ना, सब ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ तो एडिशन के रिस्पेक्ट में, इसी वजह से ये एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया एम इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया है ना, प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, इसको हमने प्रूफ कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 7070 में है ना आपको मैं बताऊंगा एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इसी टाइप से है लेकिन उसमें क्या, इसमें क्या था जैसे एडिशन के रिस्पेक्ट में मैंने दिखाया सेम क्वेश्चन ठीक है, लेकिन उसमें बस थोड़ा सा अंतर ये होगा नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स पर बात करूंगा, नॉन सिंगुलर यानी कि जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए है ना, तो वहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर एन विद रियल एलिमेंट्स इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, प्रूव डैट दिस ग्रुप इज नॉट एबेलियन, हमको दिखाना है कि वो ग्रुप एबेलियन नहीं है, है ना, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में वहाँ पर दिखाना होगा, चलिए वो सब दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसके बाद 16 क्वेश्चन है वो मैट्राइसेस से ही रिलेटेड है, ठीक ना, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है तो चलिए देखेंगे, तो चलिए आज के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।